आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पूर्व विधायक विजय मिश्र के भतीजे पर एक और वार 7,30,00,000 की संपत्ति होगी कुर्क। आगरा जेल में निरुद्ध ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके परिजनों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उनके आर्थिक तंत्र पर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्र के भतीजे मनीष मिश्र की 7,30,00,000 रुपए की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी की अदालत ने कुर्क करने का आदेश दिया है। उक्त संपत्ति प्रयागराज जिले के हड़िया थाना क्षेत्र के सराय सिविल खपटिया में है। जल्द ही भदोही पुलिस प्रयागराज में स्थित इस संपत्ति को कुर्क करेगी। हत्या लूट दुष्कर्म सहित 83 मामलों में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र के आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जिला प्रशासन अवैध तरीकों से खरीदे गए जमीनों और अन्य संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क कर रहा है। इसी कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक के भतीजे खपटिया प्रयागराज निवासी मनीष मिश्र के सराय सिविल में आधुनिक सुविधाओं युक्त 2 मंजिला मकान को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अदालत का मानना है कि उक्त संपत्ति को अपराध द्वारा अर्जित धन की मदद से खरीदा गया है। कुर्क होने वाली संपत्ति की कीमत 7,30,00,000 रुपए आंकी गई है। जौनपुर जेल में बंद मनीष मिश्र पर सामूहिक दुष्कर्म, NSA, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर लूट, अपहरण, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। मनीष मिश्र की संपत्ति को जल्द ही कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक के कुनबे का खत्म होता साम्राज्य। सामूहिक दुष्कर्म सहित 5 दर्जन से अधिक मुकदमे में जेल में निरुद्ध सपा और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे पर शासन की नजर टेढ़ी बनी हुई है। करीब 1.5 साल में 70 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति कुर्क हो चुकी है, जबकि कई महानगरों में संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार पूर्व विधायक पर कुछ महीने में ताबड़तोड़ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें धमकी, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर सहित अन्य मुकदमे शामिल हैं। इस दौरान बेटे विष्णु मिश्र, भतीजे मनीष मिश्र, पत्नी रामलली मिश्र सहित कुनबे के दर्जन भर से अधिक सदस्यों को भी शामिल किया गया। उनकी पत्नी रामलली मिश्र को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई है, जबकि नाती विकास मिश्र, भतीजा मनीष मिश्र और बेटा विष्णु मिश्र जेल में बंद हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, शासन स्तर पर चिन्हित माफिया विजय मिश्र के गैंग के सदस्य हैं मनीष मिश्रा, जो जेल में निरुद्ध हैं। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 7,30,00,000 है, ग्राम खपटिया थाना क्षेत्र हंडिया प्रयागराज में मकान और उससे लगी हुई जमीन है, उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। और इस गैंग के जितनी भी अपराध से संपत्ति अर्जित किया है उसकी जानकारी करके लगातार ये कार्रवाई जारी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।